द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाई 10%, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो डैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन्स अनचेंज। मीन्स क्वेश्चन क्या रहा है कि अगर पेट्रोल के प्राइस में 10% की इंक्रीमेंट होती है तो मोटरिस्ट कंजम्पशन को कितना कम कर दे कि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई भी चेंज ना आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे पेट्रोल का प्राइस जो कि इंक्रीमेंट से पहले था, यहाँ लिख लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल जिसको हम एक्स मान लेंगे, 100 मान के भी कर सकते हैं। तो अब 10% इंक्रीमेंट हुआ है तो न्यू प्राइस को देख लेते हैं। सो द न्यू प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10x/100 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 110x/100 रुपीज़। तो ये जो वैल्यू है ये न्यू प्राइस की है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना कंजम्पशन वो रिड्यूस करे, तो यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे उस अमाउंट की जो उसको रिड्यूस करना है कंजम्पशन में, द कंजम्पशन टू बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 110x/100 माइनस, हमको क्योंकि एक्स रुपीज़ तक जाना है तो इसलिए यहाँ पे मैक्स लिख लेंगे, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो न्यू प्राइस है अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 110x-100x/100 और यहाँ पे 110x/100 × 100, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास ऊपर 110 में से अब 100 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x और नीचे आएगा हम 110x/100, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 100/11%। या फिर इसी को हम और करके लिख देंगे यहाँ पे 9 whole 1/11%, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।